आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। बहुत सारे डेलीगेट्स आए, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आई अपनी बात करने। आप इधर आइए और उनको लेकर के वे भी हमारी चिंताएं हैं और राज्य में उद्योग को लेकर के आज उद्योग सचिव से भी हमारी बातें हुई हैं और उद्योग को लेकर निरंतर हमारा प्रयास है कि राज्य में उद्योग लगे और उसके लिए चारों तरफ बातें ले जाई जा रही है और मुझे लगता है कि इस संक्रमण में भी कई अवसर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा और यहाँ पर रोजगार के सृजन के नए आयाम खोलने की हमारी प्रयास है। चूँकि हमने पहले भी कहा है कि ये साल रोजगारों का साल होगा और इसके लिए हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह जो महंगाई है, डीजल वाले में पेट्रोल सरकार पे सोच रही है कुछ राहत देने की, जनता तो राज्य सरकार से उम्मीद करेगी। राज्य सरकार ने कहाँ बोझ बढ़ाया, ये तो भारत सरकार की करतूत है। अब इन लोगों ने देश के गरीबों को, मध्यम वर्गों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और इस महंगाई की वजह जो पेट्रोलियम पदार्थ में जो बेतहाशा बढ़ोतरी है और आज उस बढ़ोतरी से भारत सरकार को कितने कमाई हो रही है ये भी किसी से छुपा नहीं है। आखिर वो कमाई जा रहा है, राज्य सरकारों को GST मिल नहीं रहा है, राज्य सरकारों के ऊपर विशेष केंद्र सरकार की कोई बजटीय प्रावधान नहीं हो रहे हैं। आज झारखंड जैसा प्रदेश कई योजनाओं में राज्य सरकार अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए उन गरीबों के साथ खड़ी है। किसान के ऋण माफी वाला जो मामला था, अभी तक आपको क्या मुख्यमंत्री को पता है कि तक एक भी किसान उसका लाभ नहीं मिल पाया, चूंकि वित्त विभाग से राशि ही नहीं निर्गत की गई। उसमें कुछ तकनीकी विषय है, लोगों का हो जाएगा, उसका डाटा बेस तैयार करना पड़ता है, बहुत सारे कार्य हैं उसमें, ये जब सरकार ने निर्णय लिया है तो होगा।